दतिया वासियों का एक वर्ष का इंतजार हुआ खत्म। 16 तारीख से मिलेगी कोरोना वैक्सीन, दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने दी जानकारी। आखिरकार दतिया वासियों को भी कोरोना वायरस, जिसने एक वर्ष से में संपूर्ण विश्व को अपने प्रभाव से हिला कर रख दिया है, जिसकी वैक्सीन न होने के कारण लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया था। लगभग एक वर्ष के अंतराल के बाद मिले से बीमारी की जीवनदायिनी वैक्सीन, जो दतिया जिले में 16 तारीख से लगनी प्रारंभ हो जाएगी। जी हाँ, बताना चाहेंगे कि दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने जिला अस्पताल ओपीडी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपस्थित मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर राजेश गौर, CMHO, SN उदयपुरिया, सिविल सर्जन मुख्य रूप से उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने आने वाली 16 तारीख को कोरोना वैक्सीनेशन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, सभी को दिए दिशा निर्देश। वहीं किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। इसी दौरान कलेक्टर संजय कुमार ने पत्रकार चर्चाओं करते हुए बताया, दतिया वासियों को कोरोना वायरस के लंबे इंतजार के बाद आने वाली वैक्सीन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह बड़ी खुशी की बात है कि दतिया वासियों को भी कोरोना वायरस से के तांडव से मुक्ति मिल जाएगी, जो एक बड़ी खुशी की बात है। इस दौरान पत्रकारों ने कलेक्टर संजय कुमार से चर्चा करते हुए अवगत कराया कि जिले में बुंदेलखंड एवं लाडो प्राइवेट नर्सिंग होम में बिना परमिशन के शासकीय डॉक्टरों के द्वारा चिकित्सालय का समय चिकित्सालय में ना बिना बताकर इन प्राइवेट चिकित्सालयों में दिए जा रहे हैं, वही इंतजार कर चले जाते हैं, जो प्रशासन की नियमावली के अनुसार उचित नहीं है। इस प्रकार जिम्मेदार डॉक्टरों का अस्पताल में ना होकर अन्य जगह कार्य करना गंभीर विषय है, जिस पर आश्वासन देते हुए कलेक्टर संजय कुमार ने शीघ्र ही जांच एवं कार्यवाही करने का भरोसा दिया। हाँ, मैं कल एक्चुअली जो अभी कोविड का वैक्सीनेशन शुरुआत होनी है 16 तारीख से, उसी की तैयारी के लिए गया था। देखिए, ऐसे जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए, पता करता हूँ तुमको खबर आएगी कि जो डॉक्टर संबंधित कार्रवाई की जाएगी। अभी कोविड का जो वैक्सीनेशन होना है उसकी पूरी तैयारी है, और अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उपस्थिति की है, उसमें कुछ समाज के उन्होंने संदेश दिया है कि इसके बारे में कोई गलतफहमी न हो और सभी आश्वस्त रहें कि सुरक्षित वैक्सीन है। सबसे पहले हेल्थ वर्कर को लगा है, चिकित्सालयों में तमाम प्रकार के ड्यूटीज पे सबसे प्रायोरिटी पे उनको लगेंगे, अगले 3-4 चरणों में उनको लगेगा। इसके बाद फिर जो दूसरे सुविधाओं के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पुलिस रेवन्यू वगैरह के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, विभिन्न प्रकार की सेवाओं को उपलब्ध कराएंगे, उनको लगेगा। और उसके बाद फिर कुछ प्रायोरिटी सिटीजन 50 साल से ज्यादा होने के लोगों को उनको लगेगा, तो जो होम ऑर्बिडिटी की जिनको जो कुछ बीमारियां हैं वो संक्रमण के लिए वो ज़्यादा उनको चांसेस हैं, ऐसे लोग और फिर आम जन को इसके लिए ये श्रृंखला चालू है। तो ये लगभग अभी तकरीबन 50 साल के ऐसे जिले में देश की व्यवस्था है, संतोषजनक है। सभी को गरीबों से अपील है कि इस बारे में आश्वस्त है, काफी संकट के बाद ये समाधान आ गया है और धीरे धीरे समाधान संकट आ गया। पास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।